प्यारे बच्चों, मैथ्स गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। आज हम आपको ऐसी ट्रिक्स भी बताएंगे जिस ट्रिक से आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए कंपाउंड इंटरेस्ट का, आप इजीली कवर कर लोगे। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज तक हमने जो पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, वो यही है कि अगर हमने कुछ पैसा उधारा दिया और कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया, तो लास्ट में जो टोटल अमाउंट हमारा हो जाता है वो होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट / 100 की पावर टाइम। पैसा उधारा दिया उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। जो पैसा उधारा दिया जाता है वो होता है प्रिंसिपल। किस रेट से दिया जाता है वो होती है रेट, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, और कितने टाइम के लिए दिया जाता है जिसको हम डिनोट करते हैं टी से, वो होता है टाइम। तो अगर हम इस फॉर्मूले में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो लास्ट में हमें जो मिलता है वो अमाउंट, तो मतलब जितना पैसा उधारा दिया गया वो लास्ट में कितना पैसा हो गया है, तो ये हो गया अमाउंट। ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। बट अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहें तो उस टोटल अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल घटा दें तो वो रह जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। आज तक हम इस तरह से कवर करते आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन। बट आज हम एक ऐसी ट्रिक देखने वाले हैं जिस ट्रिक से सभी क्वेश्चन हमारे इजीली कवर हो जाएंगे। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हमने प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है। कुछ पैसा हमने दिया और 2 साल के लिए हमने कुछ पैसा उधारा दिया, किस रेट से 1/2% वार्षिक दर से पैसा दिया गया, और लास्ट में ये बता रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 6 रुपये 80 पैसे। तो इस क्वेश्चन में हमने प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है कि प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी। देखिए प्यारे बच्चों, इन सभी क्वेश्चन में एक सिंपल सी ट्रिक यही है कि जो भी हमें रेट दे रखा है उसकी हम उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। रेट हमें दे रखा है 12 1/2, या फिर हम कहें 25/2, ये हमें रेट की वैल्यू दे रखी है इतने परसेंट वार्षिक। अगर हम इसको 100 से डिवाइड करते हैं वो रह जाता है, नीचे 100 आ जाएगा, 2 × 100 200, तो ये वैल्यू आ गई 1/8। मतलब रेट जो हमें दे रखी है उसको 100 से डिवाइड किया तो रेट हमारे पास रह गया 1/8। अब हम क्या करेंगे, जितना भी यहाँ पर डिवाइड में है उसका स्केयर टाइम से, देखिए यहाँ पर 8 है तो 8 का स्केयर कितना हो जाएगा 64। ये हमारे पास प्रिंसिपल का काम करेगा, ये वैल्यू हम मान लेंगे प्रिंसिपल। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखिए पहला काम जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आए आपका यही होगा कि जो भी हमें रेट की वैल्यू दे रखी है उसको हमने 100 से डिवाइड किया तो वो बच गया 1/8। जहाँ जो भी यहाँ डेनोमिनेटर, देखिए न्यूमिनेटर और एक डेनोमिनेटर होता है, जो भी यहाँ डेनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका स्केयर करेंगे। अगर यहाँ टाइम 2 साल है, टाइम 3 साल है तो उसका क्यूब करेंगे। तो यहाँ पर 8 का स्केयर हो जाएगा 64, तो 64 हम प्रिंसिपल की वैल्यू लेकर चलेंगे। अब हमारे पास क्या आया, प्रिंसिपल हम 64 मान के चल रहे हैं और हमारे पास रेट थी हमारे पास 1/8। देखिए 64 का 1/8 वो रह जाएगा 8, और 64 का दूसरे साल के लिए भी 1/8 वो भी रह जाएगा 8। तो ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल हमारे पास 64 आया, ये 8 पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, ये 8 दूसरे साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट होगा। बट जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर फिर से, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, दूसरे साल के लिए 64 के ऊपर तो लग गया बट इस 8 के ऊपर भी ब्याज लगेगा, 8 के ऊपर 1/8 वो रह जाएगा 1। तो सारा कंसेप्ट, सारा फंडा यहीं पर है। तो अगर हम प्रिंसिपल 64 यूनिट लेते हैं तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 8 और 8 और 1 17 यूनिट। हमारा सिंपल इंटरेस्ट सिंपल वही रहेगा, 8 और 8 16 यूनिट, बस यही कंसेप्ट है। तो अब जो भी क्वेश्चन दे रखा है आपके बिल्कुल सिंपली इजीली कवर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 6 रुपये 80 पैसे, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास आया 8 और 8 16 और 1 17 यूनिट। तो हम ये कह सकते हैं 17 यूनिट जो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर आया वो 17 यूनिट है 6 रुपये 80 पैसे। तो 1 यूनिट
वो हो जाएगा 6.80 डिवाइड बाय 17। जब आप इसको सोल्व करोगे वो बचेगा 0.40, तो एक यूनिट की वैल्यू रहेगी 0.40। तो जिस चीज़ की भी वैल्यू हमसे पूछी गई है, हमसे वैल्यू पूछी गई है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितने यूनिट है? प्रिंसिपल है हमारे पास 64 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो 64 यूनिट, यही 64 यूनिट ही हमारे पास किसका काम कर रहा है? प्रिंसिपल का। तो हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में 64 गुणा एक यूनिट की वैल्यू 0.40। जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 25.6 रुपीज। ये इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, केवल इस क्वेश्चन में हमारा टाइम लग रहा है समझने में, आगे जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसान इसी तरीके से होने वाले हैं। बट आप कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट क्या है? आपने रेट को 100 से डिवाइड करना है सिंपली। जब आपने रेट को 100 से डिवाइड किया, रेट आई 1/8। अब जो भी यहाँ नीचे लिखा हुआ है उसकी पावर टाइम, यहाँ 8 लिखा हुआ है, 8 की पावर टाइम है 2 साल, 8 की पावर 2, 64, वो हम प्रिंसिपल मान के चलेंगे। तो प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई हमारे पास 64 यूनिट। तो प्रिंसिपल अगर हम मान के चल रहे हैं 64 यूनिट, देखिए 2 साल के लिए रेट 1/8, 1/8, तो रेट बाय 100 1/8 आया था, ये भी 1/8, तो 64 का 1/8 वो हो जाएगा, या 64 का हम ये भी कह सकते हैं 12.5%, 64 का 12.5% वही आएगा 8, और 64 का 12.5% वो भी आएगा 8। ये 8 और 8 यूनिट, ये तो हमारे पास हुआ सिंपल इंटरेस्ट। अगर हमसे ये पूछा गया 2 साल तक कितना सिंपल इंटरेस्ट, कितना साधारण ब्याज लगा, साधारण ब्याज लगेगा 8 और 8, 16 यूनिट। कितना चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, वो भी हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पर 8 और 8, 16 और 1, 17 कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट तो 8 और 8, 16 यूनिट था, तो यहीं पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट 8 और 8, 16 और 1, 17 यूनिट। और अगर ये बात की जाए इन दोनों के बीच में डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया वो आया 1 यूनिट। कोई भी क्वेश्चन हो इस तरीके से आप इजीली कवर कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और हम ट्राई करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो कि आता है स्क्रीन पर, आपको दिख भी रहा है कि प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है, रेट की वैल्यू दे रखी है, टाइम दे रखा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमने बताना है, और लास्ट में अमाउंट की वैल्यू भी दे रखी है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पहला काम हमने ये करना है, रेट जो कि 48/2, 50/3 दे रखी है रेट, उसको हमने 100 से भाग करना है। जब हमने 100 से भाग किया नीचे हो गया 300, तो ये रह गया 1/6, तो मतलब रेट रह गया 1/6। तो अब हमने प्रिंसिपल की वैल्यू कितने यूनिट लेकर चलनी है? हम प्रिंसिपल की वैल्यू लेकर चलेंगे जो भी यहाँ नीचे लिखा होता है उसकी पावर टाइम। तो नीचे 6 लिखा हुआ है, 6 की पावर टाइम कितना है? 2, 6 की पावर 2, 36 यूनिट। 36 यूनिट हम लेकर चलेंगे प्रिंसिपल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। रेट को 100 से डिवाइड हमने करी दिया है, तो वो आया 1/6। यहाँ पर जो डेनोमिनेटर में लिखा होता है, नीचे जो लिखा होता है उसकी पावर टाइम, वही प्रिंसिपल लेके चलते हैं, प्रिंसिपल आ गया 36। 2 साल के लिए हमने यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया है, तो पहले इसका 1/6 जो कि हो जाएगा 36 का 1/6, 6, और दूसरे साल के लिए भी 36 का 1/6, ये भी हो जाएगा 6। तो हमसे ये पूछा जाए कि सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज है वो हो जाएगा 6 और 6, 12, और साथ ही साथ ब्याज के ऊपर जब हम ब्याज काउंट करें यहाँ पर भी 1/6 आ जाएगा, तो 6 का 1/6 जो कि हो जाएगा 1। अगर हमें ये दे रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट वो होगा 36 यूनिट के ऊपर 6 और 6, 12, कंपाउंड इंटरेस्ट 6 और 6, 12 और 1, 13, प्रिंसिपल जो है वो है 36 यूनिट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें वैल्यू दे रखी है अमाउंट की, देखिए अमाउंट की वैल्यू दे रखी है 1470। अब आप ये देखिए, सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं है क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट
36 यूनिट हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा दे दिया, उस पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा वो 13 यूनिट लगा, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? टोटल अमाउंट हमारे पास हो गया अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, टोटल अमाउंट 36 प्लस 13, टोटल अमाउंट हो गया 49 यूनिट, क्योंकि 36 यूनिट तो पैसा दिया और उस पे ब्याज कितना लगा कंपाउंड इंटरेस्ट 13, तो अब टोटल अमाउंट हमारे पास हो गया 49 यूनिट। अब वो 49 यूनिट हमें किसके इक्वल दे रखे है? हमें दे रखे है 1470। तो जब हम यहाँ से सोल्व करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, ये 3 पे कटेगा, 1 यूनिट आएगा 30 के इक्वल। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमने अभी तक अमाउंट की वैल्यू दे रखी थी 1470, उसी अमाउंट की वैल्यू हमने यहाँ से यूनिट में निकाल ली, 36 हमने ब्याज दिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट 13 आया था, तो 49 यूनिट हो गया था। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30 रुपये। 1 यूनिट अगर 30 रुपये है, अब हमसे वैल्यू पूछी गई है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने यूनिट है? 13 यूनिट। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया जो कि 13 यूनिट है, तो 1 यूनिट 30, तो 13 यूनिट हो जाएगा, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल सिंपल 390 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, वही कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी के नेक्स्ट क्वेश्चन को हम प्रोसीड करते हैं। तो आपका वही फर्स्ट जो काम होना चाहिए, हमें स्टेटमेंट अच्छे से समझनी है। स्टेटमेंट अच्छे से समझने के बाद हमने रेट डिवाइड बाय 100 निकालना है, रेट डिवाइड बाय 100, क्योंकि ये 15% दे रखा है, तो रेट हो जाएगा 15%, मतलब 15/100। तो जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 15/100, ये 5 पे कट रहा है, 3/20। तो यहाँ पर इतना होने के बाद मैंने अभी आपको समझाया है कि प्रिंसिपल की वैल्यू आपने कितनी लेनी है, जो भी यहाँ रेट में डिवाइड में दे रखा है उसकी पावर टाइम। यहाँ रेट की वैल्यू नीचे जो वैल्यू दे रखी है 20, 20 की पावर टाइम, टाइम है 2 साल, तो 20 की पावर 2 हो जाएगा 40, नहीं 400, क्योंकि 20 की पावर 2, 20 × 20 400। तो ये हमने प्रिंसिपल लेके चलना है। ध्यान दीजिए, ये प्रिंसिपल हमने पैसा उधारा दिया 2 साल के लिए, पहला साल, दूसरा साल, अगर यहाँ पर रेट 3/20 है, तो 400 को 3/20 करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 60, और यहाँ पर भी 3/20 तो वैल्यू आएगी हमारे पास 60। तो यहाँ तक तो ठीक हुआ, ये 60 यूनिट, 60 यूनिट, 120 यूनिट, ये तो होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। बट जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, वो ब्याज के ऊपर भी ब्याज होता है, तो इसका फिर से हम 3/20 लेंगे दूसरे साल के लिए, क्योंकि पहले साल के लिए 400 के ऊपर 3/20 60 रहा, दूसरे साल के लिए फिर से वही 60 रहा, लेकिन इस 60 रुपये के ऊपर भी ब्याज लगेगा दूसरे साल, तो 60 का 3/20 ये आएगा हमारे पास 9। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हमें जो वैल्यू दे रखी है, अब हम गिवन से देखेंगे किस चीज़ की वैल्यू दे रखी है। हमें वैल्यू दे रखी है CI - SI, CI - SI, यहाँ CI - SI की वैल्यू दे रखी है 2 रुपये 70 पैसे। अगर हम इस डायग्राम से CI और SI के बीच में डिफरेंस निकालें, इस डायग्राम से हमें पता लग रहा है जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 60 और 60, 120 यूनिट होगा 400 यूनिट के ऊपर। अगर हम इसी डायग्राम से पता करें कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, वो होगा 60 + 60 + 9, वो होगा 129 यूनिट, 400 यूनिट के ऊपर। जब हम इनके बीच में डिफरेंस निकालेंगे CI - SI, वो होगा, अगर हम इनमें डिफरेंस कर दें तो वो आएगा हमारे पास 9 यूनिट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 यूनिट हमने निकाल लिया इस डायग्राम से, 9 यूनिट हमारे पास दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है? 2 रुपये 70 पैसे। तो जब हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 9 से जब आप डिवाइड करोगे वो आएगा 0.30। अब जिस भी चीज़ की वैल्यू निकालनी है आप उसके यूनिट देखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमें वैल्यू निकालनी है CI की, सिंपल CI कितना है? 129 यूनिट।
तो अगर हमने CI निकालना है तो CI जो कि है 129 यूनिट, तो उस चीज़ की वैल्यू हम निकाल देंगे। एक यूनिट की वैल्यू हमें पता लग चुकी है, तो 129 यूनिट, तो 129 गुणा 0.30। जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास आएगा 38.70। ये हमारा आंसर होगा, 38.70 रुपीज, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बिल्कुल सेम कंसेप्ट, कंफ्यूज नहीं होना, स्टेटमेंट कम से कम आपने 2-3 बार पढ़ के देखनी है ताकि आपका पेपर में इतना टाइम ना लगे। आप इतनी प्रैक्टिस अभी कर दीजिए, पेपर में इतनी प्रैक्टिस की जरूरत ना पड़े, क्वेश्चन आपको वैसे ही हो जाएंगे एग्जाम के अंदर अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पहला काम यही करेंगे कि रेट को 100 से डिवाइड करेंगे। जब हम रेट को 100 से डिवाइड करेंगे, ये है हमारे पास 50/3, तो वो हो जाएगा 50/300, तो वो हमारे पास बचेगी 1/6। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हम ऐसा ले रहे हैं जिसमें जो टाइम है ना तो 1 साल है, ना ही 2 साल है, ना ही 3 साल है, बल्कि टाइम जो है वो अब हमें दे दिया फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कहे तो 1 साल 4 महीने, या 1 साल 6 महीने, या 1 साल 73 दिन, इस तरह से दे दिया। तो भी कंफ्यूज नहीं होना, पहला काम ये आपका ये रहेगा कि 1 साल 73 दिन है तो भी हम उसमें उससे थोड़ा सा ज़्यादा, देखिए 1 से ज़्यादा है, 2 से कम है, तो हम 1 से ज़्यादा कितना, 2 होता है, तो हम जो यहाँ डेनोमिनेटर में लिखा हुआ है, डेनोमिनेटर में 6 है, तो हम 6 की पावर 2 ही करेंगे। 1 साल से ज़्यादा है बट 2 साल से कम है, हम 1 साल 73 दिन पावर में नहीं लिखेंगे, जैसा हम लिखते आए हैं हम यही लिखते थे 6 की पावर टाइम, बट टाइम अगर फ्रैक्शन में हो तो 1 साल से ज़्यादा है बट 2 से कम है, तो 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 होता है हमारे पास 36 यूनिट। यही हम प्रिंसिपल मान के चलेंगे, प्रिंसिपल 36 यूनिट होगा क्योंकि ये 1 साल से ज़्यादा है, तो 2 साल हम मान के चल रहे हैं, 6 की पावर 2, 36। तो ध्यान दीजिए, रेट 1/6, यहाँ पर भी रेट कितना हो गया, 1/6, तो 36 का 1/6 बचा 6 यूनिट, 36 का 1/6 बचा 6 यूनिट, और ब्याज के ऊपर फिर से अगर ब्याज लगेगा 6 की पावर, यहाँ पर 6 है, 6 का 1/6 वो बचेगा हमारे पास 1। देखिए अब तक जो होता आया है, यहाँ तक 2 साल के लिए आया है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 12, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 12 और 1 13। सिंपल इंटरेस्ट पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, लेकिन वो था 2 साल के लिए, बट हमें चाहिए 1 साल 73 दिन के लिए। तो यहाँ आप देखिए जो सेकंड पार्ट है, ये 6 और 1 7 यूनिट, ये 7 यूनिट है पूरे 1 साल के लिए, 365 दिन के लिए। देखिए दूसरे साल, पहले साल तो हो गया 6 यूनिट, ये पहले साल के लिए था जो 6 यूनिट रहा, दूसरे साल के लिए 6 और 1 7 यूनिट, तो 365 दिन होते हैं, 365 दिन में टोटल यूनिट हुए 7, जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है, तो 73 दिन, 73 दिन, देखिए 73 जो डेज होते हैं वो इसका 5वां पार्ट, तो 7/5, जब हम इसको सोल्व करेंगे वो आएगा 1.4 यूनिट, 1.4 यूनिट, वो 1.4 यूनिट होगा। तो टोटल जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 6 तो ये था पहले साल का, प्लस दूसरे साल में हमने पूरे दूसरे साल का नहीं निकालना बल्कि 73 दिन का निकालना है, वो आया 1.4, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास हो गया 7.4 यूनिट। आई थिंक यहाँ तक क्लियर। 1 साल 73 दिनों मान के चलिए 2, तो यहाँ पर नीचे 1/6 है, तो 6 का स्क्वायर 36, वही मान के हम चल रहे हैं। फिर बाद में हम देखेंगे, ये तो 7 यूनिट पूरे साल का हुआ, 73 दिन का निकालना है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 7/5 वो आया 1.4 यूनिट। यहाँ से हमें ये पता चला प्रिंसिपल 36 यूनिट मान के चले हैं, बट प्रिंसिपल तो हमें दे रखा है 18,000, तो हम ये कह सकते हैं
इसी क्वेश्चन में 36 यूनिट प्रिंसिपल जो हम मान के चल रहे हैं, गिवन कितना है 18,000। 36 यूनिट 18,000 के इक्वल है। तो जब हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे प्यारे बच्चों, 18,000 बटा 36, 18 पे कट रहा है 2, ये आया 1,000, ये कटा 500 पे, तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास रह गई 500। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था? बिल्कुल, कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला 7.4 यूनिट, तो एक यूनिट 500 के इक्वल है। तो एक यूनिट अगर 500 के इक्वल है, तो 7.4 यूनिट जब आप सोल्व करोगे तो उसका आंसर प्यारे बच्चों हमारे पास आएगा 3700, 3700 रुपीज, ये हमारा आंसर आएगा। क्योंकि एक यूनिट 500 है, कंपाउंड इंटरेस्ट 7.4 यूनिट, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारे पास आ जाएगा 3700। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इसी से रिलेटेड, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, वो क्या है? इस क्वेश्चन में भी यही दे रखा है, कुछ पैसा हमने ब्याज पर दिया, बट यहाँ पर 2 साल के लिए नहीं दिया पैसा, हमने 3 साल के लिए ब्याज पर दिया, और ब्याज भी कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, और रेट जो लगी उसके ऊपर, रेट हमने 15% वार्षिक दर, देखिए इस तरह से 15% पर एनम दे रखा होगा, और दोनों इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस दे रखा है 1700, 1 रुपये इन दोनों के बीच में डिफरेंस रहा। तो प्यारे बच्चों बताइए प्रिंसिपल कितना होगा? देखिए अब क्वेश्चन आ गया है 3 साल के लिए, पहला काम भी वही करना है, अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने वाला है। पहला काम रेट को 100 से डिवाइड करना है, जब हम 15 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा प्यारे बच्चों 5 पे 3 बटा 20। अब बात आई, यहाँ नीचे कितना लिखा हुआ है, 20, 20 की पावर टाइम, टाइम 3 साल है, 2 साल नहीं है, तो 20 की पावर 3, 20 गुणा 20 गुणा 20, वो प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा 8,000। आई थिंक यहीं तक क्लियर। तो 8,000 यूनिट हम प्रिंसिपल की वैल्यू मान कर चलेंगे। अब ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 3 साल तक चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकालना है, 3 साल तक चलता है। रेट 3 बटा 20, यहाँ पर भी 3 बटा 20, यहाँ पर भी 3 बटा 20। तो जब हम रेट 3 बटा 20 ले रहे हैं, जब इसको सोल्व करेंगे, 8,000 गुणा 3 बटा 20, वो हमारे पास प्यारे बच्चों बचेगा 1200, यहाँ आएगा 1200, 8,000 का फिर से 3 बटा 20, ये आया 1200, 8,000 का फिर 3 बटा 20, ये भी आया 1200। देखिए ये तो होता है हमारे पास 8,000 यूनिट का 1200, 1200, 1200, 3600 रुपये सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज ये होता है 3 साल के लिए 3600 रुपये। बट जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो वो क्या होगा, यहाँ तक क्लियर? अब इस 1200 रुपये का फिर से 3 बटा 20 दूसरे साल के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमारे पास बचेगा कितना, 180। अब इसी 1200 का अगले साल तक, तीसरे साल तक भी, यहाँ पर तीसरे साल तक भी फिर ब्याज लगेगा 180। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता जाएगा 3 साल तक। दूसरे साल इसका 3 बटा 20, 180, तीसरे साल इसी 1200 के ऊपर फिर से रहा 180। अब इस 1200 के ऊपर 1 साल के लिए ब्याज लगेगा यहाँ पर 180, क्योंकि दूसरे साल यहाँ पर 1200 था, तीसरे साल तक फिर 180 लग चुका होगा। और ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ 180 भी था दूसरे साल, तो 180 का फिर से 3 बटा 20, जब हम इसको सोल्व करेंगे वो आएगा 27, क्योंकि इस 180 के ऊपर भी ब्याज लगेगा। आई थिंक आपको ये प्रोसेस क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगाते जाना है। 1200 का इस साल भी, इस 1200 के ऊपर 180, फिर इस 1200 पे 180, अगले 1200 पे अगले साल तक, और इस 180 पर फिर अगले साल तक, तो इस तरह से टोटल हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। अब जब हम इस क्वेश्चन में सोल्व करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? पहली बात, सिंपल इंटरेस्ट 1200, 1200, 1200, सिंपल इंटरेस्ट हुआ 3600 यूनिट। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, 3600 तो ये हो ही गया, 1800, 180, 180, 180,
जो कि हुआ 540 और 27, 540 और 27, ये हुआ 567, 567। तो 567, तो 567 3600 से एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा 4167 जब आप कैलकुलेट करोगे। बट हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है वो है इन दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। डिफरेंस केवल इतना ही आएगा, डिफरेंस कितना होगा, 567 यूनिट। ये डिफरेंस दोनों इंटरेस्ट के अंदर वो दे रखा है हमें 1701। जब हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, सोल्व करेंगे, तो वहाँ से एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये 3 पे कटेगा, एक यूनिट हो गया 3 के इक्वल। प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल 8000 यूनिट, एक यूनिट 3 रुपये के इक्वल है, तो 8000 यूनिट, तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 24000 रुपये। ये हमारा आंसर होगा, एक यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली, प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, प्रिंसिपल 8000 यूनिट, 8000 × 3, आंसर प्यारे बच्चों हमारे पास हो गया है 24000 रुपये। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो हमने स्टार्ट किया हुआ था। कुछ पैसा हमने ब्याज पर दिया और कितने प्रतिशत, 12 सही है, 1/2% वार्षिक दर पर वो पैसा ब्याज पर दिया गया, 3 साल के लिए वो पैसा ब्याज पर दिया, और इन दोनों ब्याज के बीच में डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस, वो रहा 12.5 रुपये। तो ये बताइए प्रिंसिपल की वैल्यू, मतलब जो कितना मूलधन कह सकते हैं, कितना पैसा ब्याज पर दिया गया, वो हमने बताना है। तो वही सिंपल बेसिक टेक्निक, जितना जल्दी सिंपल हो सके, जितना जल्दी कवर हो सके, पहला काम होता है वही रेट को 100 से डिवाइड करते हैं, 25/2, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोई ये कितने परसेंट है, वैसे ये 1/8 आता है, कैसे आता है, 25/2 तो ये है ही, इसको 100 से भाग करेंगे, 225 सीधा ये कट रहा है 8 पे, 1/8, ये रेट डिवाइड बाय 100 जब हमने निकाला वो रह गया 1/8। अब मैंने आपको जितने प्रीवियस क्वेश्चन हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों में आपको बता दिया है कि हम प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मूलधन कितना लेके चलेंगे, प्रिंसिपल की वैल्यू हमने लेकर चलनी है, जितना भी यहाँ नीचे दे रखा है डेनोमिनेटर में दे रखा है उसकी पावर टाइम, 8 की पावर टाइम, 8 की पावर 3, जब हम सोल्व करेंगे 8 की पावर 3, 8 × 8 × 8, वो आएगा 512। प्रिंसिपल हमने लेकर चलना है 512, 3 साल के लिए हमने पैसा दे दिया, 3 साल के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हर एक केस में 1/8, 1/8, 1/8, जब हम 512 का 1/8 करेंगे, 64, ये 64, ये 64, तो 512 यूनिट पर 64 + 64 + 64, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हुआ इतना। बट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, तो इस 64 रुपये जो पहले साल हमारे पास ब्याज बना 64, अगले साल पे इसका ब्याज 1/8 जब हम कैलकुलेट करेंगे 8 यूनिट, और इसी 64 का तीसरे साल पे भी ब्याज लगेगा 1/8 जब हम इसका करेंगे, वो भी 8 यूनिट। इस 64 पर पहले साल पर जो ब्याज आया, दूसरे साल भी उस पर ब्याज लगेगा, इस 64 पर तीसरे साल के लिए भी ब्याज लगा 8। एक ये 64 ब्याज था यहाँ पर, दूसरे केस में 64, तो इसके ऊपर जब हम 1/8 कैलकुलेट करेंगे, इसके ऊपर 1/8 वो हो जाएगा 8। इस पर भी हमने सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट कर दिया, लेकिन एक ये 8 और बच गया, इस 8 पर नेक्स्ट ईयर के लिए, इस 8 पर नेक्स्ट ईयर के लिए 8 का 1/8 वो हो जाएगा 1। तो जब हम देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन में दे रखा है इन दोनों ब्याज के बीच में डिफरेंस, तो यहाँ पर 64 + 64 + 64, ये तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, बाकी ये सारा बच गया, अगर इनमें ऐड कर दे वो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रह जाएगा CI - SI के बीच में, वो यही होगा 8, 8, 8 और 1, 24 और 1, 25 यूनिट। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमें दे ही रखा है, तो वो डिफरेंस 25 यूनिट वो इक्वल हो गया 12.50 रुपीज के, तो 1 यूनिट हमारे पास हो जाएगा जब हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये हाफ है, 1 यूनिट होगा 0.5 रुपीज,
मतलब 50 पैसे, 1 यूनिट 50 पैसे हो गए। अब हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल 512 यूनिट, तो 512 यूनिट, 1 यूनिट 50 पैसे का, तो 512 यूनिट वो हो जाएगा 256 रुपीज। तो ये हमारा आंसर होगा 256 रुपये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे बच्चों इसी सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाते हैं। अगले क्वेश्चन में प्रिंसिपल की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। रेट की वैल्यू हमें दे रखी है 16 से 2/3%। अगर कुछ ना दे रखा हो तो इसका मतलब एनुअल ही होती है, वार्षिक दर ही होती है। टाइम 3 साल दे रखा है, दोनों ब्याज के बीच में डिफरेंस 5 रुपये 70 पैसे हमें दे रखा है। तो प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, ये बच्चों आपका खुद, आपने खुद ये क्वेश्चन सोल्व करना है। और मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी वो आएगी 64.8 रुपीज, 64 रुपये 80 पैसे। ये क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना है, टेक्निक वही है जो आपको अभी तक समझाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और हम करते हैं इसी सीक्वेंस को बढ़ाते हुए, इसी कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर को बढ़ाते हुए। तो क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में भी यही है कि प्रिंसिपल की वैल्यू हमने निकालनी है, टाइम 3 साल है। बट इस क्वेश्चन में एक बात ये याद रखनी है, जो हमें यहाँ डिफरेंस दे रखा है वो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट में से सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट घटाएंगे, उनका डिफरेंस दे रखा है 420। तो प्यारे बच्चों पहला काम यही होता है कि अगर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, रेट को 100 से डिवाइड करना है। जब आप ये आया रेट की वैल्यू, जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं 50/3, 100 से डिवाइड करेंगे 300, तो 50/300 1/6, ये आया रेट डिवाइड बाय 100, तो 1/6। तो सबसे पहले प्रिंसिपल हम कितना लेंगे, 6, यहाँ नीचे लिखा हुआ है 6, और 6 की पावर टाइम, टाइम है 3, तो 6 की पावर 3 जो कि हुआ 216 यूनिट। तो 216 यूनिट हम प्रिंसिपल मान के चल रहे हैं, तो 216 का जब हम यहाँ पर 1/6 करेंगे, फिर से 1/6, और यहाँ पर भी 1/6 तीनों साल के लिए, ये आएगा 36, यहाँ पर भी आएगा 36, यहाँ पर भी आएगा 36। इस 36 पर फिर से 1/6 ब्याज लगेगा 6, और इसी 36 पर पहले यूनिट तीसरे साल के लिए ब्याज लगेगा 6। अब इस 36 की सेकंड ईयर में जो ये ब्याज आया था 36, उस पर अगर हम ब्याज कैलकुलेट करें, अगले साल तक यहाँ पर पहुँच जाएगा ये 6, और इस 6 के ऊपर फिर से ब्याज लगेगा 1/6, यहाँ रह जाएगा 1। तो आप खुद देखिए तीसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा, देखिए ये 36 36 तो कैंसिल हो ही गया, 6 और 6 12, और 1 13 यूनिट, और यहाँ है केवल 6 यूनिट। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस वो आएगा 7 यूनिट का, क्योंकि यहाँ पर 13 यूनिट, यहाँ 6 यूनिट। तो दोनों तीसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 13, दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट ये 6। वैसे तो ये 36 36 भी काउंट होगा, लेकिन उससे वो कैंसिल हो रहा है। 13 माइनस 6 7 यूनिट हमें दे रखा है 420 के इक्वल, तो 1 यूनिट हमारे पास रह जाएगा 60 रुपीज के इक्वल। अब प्यारे बच्चों हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल मतलब कितने यूनिट, 216 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर ही चुके थे, तो 216 यूनिट, 216 गुणा 60, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास आंसर आएगा 12,960 रुपये। इसका आंसर हो जाएगा, 216 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 36 3 9 12 और 1 0, ये है ही 12,960 रुपये, ये हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, इसी प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए। यहाँ इस क्वेश्चन में भी प्रिंसिपल दे रखा है, कुछ पैसा हमने ब्याज दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पर, रेट रही 16 से 2/3%, टाइम दिया 2 साल 73 दिन, तो 2 साल से ज़्यादा है, तो हम एक बार 3 साल कंसीडर करके चलेंगे। तो रेट को जब हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, रेट डिवाइड बाय 100, वही आएगा 50/3, तो वो हो जाएगा 50/300, हमारे पास आया 1/6, तो 6 की पावर 3, 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 से ज़्यादा है, तो 6 की पावर 3 हमारे पास, 6 की पावर 3 बन गया 216।
तो तीनों साल के लिए हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। 216 का रेट है 1/6, 1/6, 1/6, 36, 36, 36, यहाँ फिर से 1/6, ये हो गया 6, यहाँ फिर 1/6, ये हो गया 6, अब इस 36 का 1/6, ये हो गया 6, और इस 6 पे फिर से ब्याज लगेगा अगले साल के लिए, 6 का 1/6, 1। अब हम ये देखेंगे कि प्यारे बच्चों तीसरा साल कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान दीजिए, टाइम 2 साल 73 दिन, तो तीसरा साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो तीसरे साल पर ये हो रहा है 6 और 6 12 और 1 13, 6 आप पूरा कंसीडर कर सकते हैं, तो यहाँ पर तीसरे साल पूरा नहीं है, तीसरे साल का ये सारा ब्याज 36 और 6 42 और 6 48 और 1 49, तीसरे साल में 49 यूनिट था अगर ये पूरा साल हम कंसीडर करते, लेकिन ये 73 दिन है, 73 दिन साल का पांचवा हिस्सा, मतलब 365 को 5 से भाग करोगे तो 73 आएगा, तो पांचवा हिस्सा, तो ये 49 की बजाय 49 का पांचवा हिस्सा, 49/5, ये हो जाएगा 9.8 यूनिट, जो तीसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तीसरे साल, वो पूरा ये 49 यूनिट नहीं लग रहा, बल्कि साल का पांचवा हिस्सा, तो 49 का भी पांचवा हिस्सा 9.8 यूनिट लग रहा है। तो 9.8 यूनिट लगने के बाद अब हमें ये पता लगा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है, तो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल वही 36 है, क्योंकि पहले साल जितना कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उतना ही सिंपल इंटरेस्ट होता है, पहले साल 36 यूनिट, 36 और 6, दूसरे साल 42, तीसरे साल पूरा लगने की बजाय अभी हमने कैलकुलेट किया 9.8 यूनिट, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 87.8 यूनिट, ये आ जाएगा, तो यही CI हमने निकालना है, CI की वैल्यू निकालना। अब हमें ये पता लगा प्रिंसिपल 216 यूनिट था, तो प्रिंसिपल जो 216 यूनिट था, और यहाँ तो हमें प्रिंसिपल दे ही रखा है 10,800, ये 216 यूनिट 10,800 के इक्वल, तो जब हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 10,800 बटा 216, 108 पे कट रहा है 2, ये आएगा 100, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे वैल्यू हमारे पास इसकी बची 100, 100/2 वैल्यू हमारे पास बची 50, तो एक यूनिट 50 के इक्वल है। हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 87.8, तो टोटल हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 87.8 यूनिट था, तो एक यूनिट 50 रुपये के इक्वल, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 87.8 × 50, वो हमारे पास आंसर बचेगा जब हम इसको सोल्व करेंगे 4390, ये हमारे पास आंसर रहेगा। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल अब हाई होता जा रहा है, इतने सिंपल क्वेश्चन अब नहीं रह गए हैं, अब हम ऐसे क्वेश्चन भी कवर करने वाले हैं इसी तरीके से जहाँ पर ये दे रखा होगा कि रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, रेट को हाफ ईयरली कैलकुलेट कर सकते हो या रेट को क्वार्टरली कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, कुछ पैसा जो कि 20,000 रुपये था वो 20% वार्षिक दर से ब्याज पर दिया गया, और 1 साल 6 महीने टाइम के लिए ब्याज पर दिया गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज हमने निकालना है, बट ये बात ध्यान रखें यहाँ पर ब्याज वार्षिक कैलकुलेट नहीं हो रहा, वो जो ब्याज है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, हाफ ईयरली मतलब 6 6 महीने के बाद। तो यहाँ पर एक बात याद रखनी है, अगर हाफ ईयरली हो तो रेट हमारे पास हाफ हो जाएगी, 20% की जगह हो गई हमारे पास 10%, और टाइम हमारे पास डबल हो जाएगा, कितने हाफ ईयर हो गए, देखिए 1 साल में 2 हाफ ईयर, 1 हाफ ईयर और, तो 3 हाफ ईयर हमारे पास रहेगा, तो हम ये कह सकते हैं टाइम को हम डबल करते हैं, रेट को हम हाफ करते हैं, तो इतना आने के बाद बाकी प्रोसेस वही है जो अभी तक हमने किया है, कि रेट सबसे पहले परसेंटेज की बजाय हम
सिंपल ये निकालते हैं, रेट डिवाइड बाय 100, तो रेट 10% है, 10 बटा 100 जो कि आ जाएगी 1 बटा 10। तो पहली बात हाफ ईयरली है तो उसको कन्वर्ट कर दो, रेट का हाफ टाइम का डबल। उसके बाद रेट को परसेंटेज की बजाय रेट बाय 100, 1 बाय 10 हो गया, और 10 की पावर जितना टाइम है, टाइम यहाँ पर 3 है, तो 10 की पावर 3 हमारे पास, 10 की पावर 3 होता है 1000 यूनिट हम लेकर चलेंगे वैल्यू प्रिंसिपल की, 1000 यूनिट हम लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले 1 बाय 10 है, तो 1000 का 1 बटा 10 100, 1000 का दूसरे साल के लिए 1 बटा 10 100, तीसरे साल के लिए 1000 का 1 बटा 10 100। तो अगर हम केवल सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, वो हो जाएगा 1000 यूनिट पर 100 100 100 300 यूनिट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट, वही ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, फिर से 1 बटा 10, यहाँ पर सारी जगह 1 बटा 10 1 बटा 10 चल रहा है, तो 100 पर ब्याज लगा 1 बटा 10, रह गया 10, और इसी 100 पर जो ब्याज लगेगा अगले साल भी 1 बटा 10, ये चला 10। अब इस 100 पर ब्याज लगा अगले साल के लिए, यहाँ रह जाएगा 10, और इस 10 पर भी ब्याज लगेगा, 10 का 1 बटा 10 रह गया 1। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। जब हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 10 10 10 और 1, 330 और 1, 331 यूनिट, ये वैल्यू आई हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की, 331 यूनिट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रिंसिपल हम 1000 यूनिट मान के चल रहे थे, प्रिंसिपल है 20,000, तो 1000 यूनिट जो हम प्रिंसिपल मान के चल रहे हैं, वो 1000 यूनिट 20,000 के इक्वल, 1000 यूनिट हमारे पास इक्वल है 20,000 के, 20,000, तो 1 यूनिट हमारे पास हो जाएगा जब हम इसको सोल्व करेंगे 20 रुपीज के। वैल्यू निकालनी है CI, 331 यूनिट, तो 1 यूनिट 20 रुपये का, तो CI जो हो जाएगा 331 यूनिट, मतलब 331 गुणा 20, ये आएगा 6620 रुपीज, ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही, तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस इसमें रह गए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन भी कई बार आते हैं, वो भी अभी पेंडिंग रह गए हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और प्लीज़ 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।